व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज भरत भूषण नेगी फ्रॉम द माउंटेन एकोर्ड। किनौर इस कॉलिंग सीरीज के फिफ्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे किनौरी एंशियंट ट्रेडिशनल प्रोसेस से अल्कोहल फर्मेंट होता था और कैसे उसको डिस्टिल किया जाता है। मैं आज अपने ही गाँव में हूँ और गाँव में ही किसी पड़ोस में आज अल्कोहल डिस्टिल हो रहा है, तो मैं आप लोग को वहां लेकर चलूंगा और हम लोग देखेंगे उसके पीछे छुपे हुए साइंस को और उस पूरे प्रोसेस को। तो आइए चलते हैं। गाइस, ये है टिपिकल किनौरी स्टाइल अल्कोहल डिस्टिलेशन यूनिट। किनौर से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें ये भी है कि यहां पर बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम होता है। अल्कोहल यहाँ पे शादियों में पीने के पर्पज से और मंदिर में पूजा के लिए भी यूज होता है, और अगर कोई आदमी अपने घर पे अल्कोहल प्रोड्यूस करना चाहता है तो गवर्नमेंट द्वारा उसको लाइसेंस भी मिलता है, और एक टाइम पे आप अपने घर पे अराउंड 25 बॉटल्स तक इथेनॉल स्टोर रख सकते हो। तो आज जो हम अल्कोहल डिस्टिल कर रहे हैं वो है वाइल्ड पीच और वाइल्ड एप्रिकॉट, जिसको हम बोलते हैं चुल्ली और बैमी, उन दोनों का कॉकटेल है। तो फर्मेंट हो चुका है और ये पूरा डिस्टिलेशन यूनिट है ट्रेडिशनल मेथड से। कैसे हम इसको डिस्टिल करते हैं वो आज के इस पूरे वीडियो में आप देखोगे। गाइस, ये वाइल्ड पीच और वाइल्ड एप्रिकॉट का मिक्सचर है जिसको लगभग 15 दिन हो चुके हैं फर्मेंटेशन को लगाए हुए, और ये अब पूरी तरह से तैयार है डिस्टिलेशन के लिए। तो आज हम इसको डिस्टिल करने जा रहे हैं। गाइस, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये वाइल्ड एप्रिकॉट प्लांट है जिसको हम चुल्ली बोलते हैं अपने लोकल डायलेक्ट में, और ये अभी पूरी तरह से कच्चे इसके फ्रूट्स है ये। और ये जो मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हो ये है वाइल्ड पीच जिसको हम बैमी या रैग बोलते हैं अपने लोकल डायलेक्ट में, और दोनों पूरी तरह से अभी कच्चे हैं। जो वाइल्ड एप्रिकॉट पकता है तो ये रेडिश और ऑरेंज टाइप कलर का बनता है, और अभी ये कच्चे है, बहुत खट्टा है। और जब ये पकता है तो हम इसको पूरी तरह से सन ड्राई करते हैं, और सन ड्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, और वाइल्ड पीच कुछ इस तरह से दिखता है, और इसको हम खा भी सकते हैं और टेस्टी भी होता है। इसके अंदर की गुठलियों को तोड़ के हम इससे तेल निकालते हैं, और चुल्ली का तेल किनौर का जीआई प्रोडक्ट है, और ये दोनों ही फ्रूट कम्प्लीटली टोटली ऑर्गेनिक फ्रूट है। इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। चुल्ली की गुठली से जो तेल निकलता है उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, और इसको यहाँ के लोग खाने के पर्पज से, पीने के लिए, और बच्चे और बूढ़ों के मसाज पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। और सर्दियों में जब आप इसे मसाज करते हो तो बॉडी में हीट जनरेट करता है, और ये काफी एक्सपेंसिव भी है, और ये किनौर का जीआई प्रोडक्ट तो है ही। जब इसको हम फर्मेंटेशन के लिए लगाते हैं तो वाइल्ड पीच और वाइल्ड एप्रिकॉट के मिक्सचर को हम ओवरनाइट वाटर में डिप करके रखते हैं, और नेक्स्ट डे उसके गुठलियों को अलग कर देते हैं, और जो फ्रूट स्किन होता है उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके एक ड्रम या बैरल में क्लोज लीड लगा के रखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, और जब हम लीड को क्लोज करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट कन्वर्ट सिंपल शुगर इंटू इथेनॉल। और एक खास बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में हम कोई भी एक्सटर्नल यीस्ट नहीं डालते, ना ही कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रेन, क्योंकि इंडस्ट्री में हम अच्छे स्ट्रेन का यूज करते हैं, पर एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है तो हम इसमें कोई यीस्ट एक्सटर्नली ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीस्ट ऑलरेडी एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है। यीस्ट आपके स्किन पे भी होता है, यीस्ट एयर में भी होता है, यीस्ट इस फ्रूट के स्किन पे भी होता है, हर फ्रूट पे उसका अपनी टाइप का एक यीस्ट होता है। और जब हम इसको लिड को क्लोज करते हैं तो फ्रूट के अंदर या एयर से जो भी यीस्ट आता है वो फ्रूट में अवेलेबल जो भी सिंपल शुगर होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टू स्टेप्स में होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो पाइरुवेट बनता है, और सेकेंड स्टेप में पाइरुवेट से इथेनॉल बनता है। जो आप ये फर्मेंटेड सॉल्यूशन देख रहे हो इसको लगभग 15 दिन हो चुके हैं, और इसके स्टार्टिंग के जब 5 दिन होते हैं या 6 दिन, तो उन दिनों में लगभग शुगर की डिप्लीशन हो जाती है, नेचुरल शुगर यीस्ट पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। तो हमको इथेनॉल और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हम इसमें और शुगर एक्सटर्नली शुगर ऐड करते हैं, तो ज़्यादातर टाइम पर हम जैगरी गुड़ ऐड करते हैं, और लगभग 15 या 20 दिन के बाद इसको हम डिस्टिलेशन के लिए निकालते हैं। और आज इसका लगभग डिस्टिलेशन का टाइम हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट फर्मेंट हो चुका है, तो इसको हम आज डिस्टिल करेंगे। डिस्टिलेशन के लिए हम इस फर्मेंटेड सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे मेन डिस्टिलेशन एपरेटस जिसको हम लामटू बोलते हैं, उसमें इसको हम ट्रांसफर करेंगे। डिस्टिलेशन के टाइम पे वेपर इधर उधर वेस्ट ना हो तो हम इस पूरे एपरेटस को चारों तरफ से सील करते हैं,
और इसको सील करने के लिए हम आमतौर पर आटा और लाल मिट्टी का मिक्सचर यूज करते हैं। किन्नौर में अल्कोहल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे है रक, अरक, सूर, फासुर, घंटी, शराब, दारू, ये कई तरह के नाम है जिनके द्वारा अल्कोहल यहाँ पे जाना पहचाना जाता है। सो गाइस, ये जो ट्रेडिशनल यूनिट है अल्कोहल डिस्टिलेशन का, इसके चार पार्ट्स है, चार, जैसे कि ये है, ये पीतल से बना है, इसको हम लामटू बोलते हैं अपने लोकल डायलेक्ट में। ये पूरी तरह से ब्रास मेटल से बना है और ये स्टोन है। इस स्टोन के ऊपर एक काफी बड़ा सा होल है और ये जिसको हम इस पे ठोक्सा बोलते हैं, ये भी ब्रास से बना है और इसके ऊपर ये है बाटी, ये भी ब्रास से बना है। इसमें एक पाइप जुड़ा है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इथेनॉल कलेक्ट करेंगे। अब हो क्या रहा है कि इसका अंदर हमने फर्मेंटेड वाइल्ड पीच और एप्रिकॉट का जूस डाल रखा है और हम यहाँ से फ्लेम दे रहे हैं। जैसे ही वो बॉयल होगा, इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का अराउंड 78-80 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वाटर से काफी कम है। तो जैसे ही फ्लेम मिल जाएगा तो इवेपोरेट होने लगेगा, तो इसके अंदर जो होल है उस होल से वो बाहर आएगा, पर वो यहाँ पर पूरी तरह से सील कर रखा है क्योंकि यहाँ पर एक और ऑपरेटस यहाँ पर इसके साथ ज्वाइंट है, तो उसके अंदर भी होल है और इसके अंदर जितना बड़ा कैविटी है वो सारा का सारा वेपर इस बाटी के बॉटम और इसके टॉप पे आकर के पूरा इवेपोरेशन होने के बाद पूरा का पूरा वेपर फैल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने यहाँ पर कोल्ड वाटर रखा है। कोल्ड वाटर रखने की वजह से क्या होगा कि जो पूरा का पूरा वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिक्विड जो है वो इथेनॉल है, हम यहाँ पर उसको कलेक्ट करेंगे। अब होता क्या है कि जो डिस्टिलेशन के बाद जो हम अल्कोहल कलेक्ट करते हैं उसको हम तीन अलग अलग रूप में जानते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो हेड है डिस्टिलेशन का, जो फर्स्ट हेड पार्ट निकल रहा है डिस्टिलेशन होने के बाद, उसको हम अपने लोकल डायलेक्ट में मोरी बोलते हैं। और जो मिडल पार्ट होता है काफी टाइम के बाद, मिडल पार्ट जो डिस्टिलेशन के बाद जो लिक्विड निकलेगा उसको हम राशी बोलते हैं। और जो लास्ट एंड पार्ट होता है, टेल पार्ट डिस्टिलेशन का, उसको हम शिंग प्रो बोलते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही साइंटिफिक टर्म में भी हम उसको हेड, हार्ट और टेल बोलते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो कई साल पुराना जो हमारा यहाँ पर डिस्टिलेशन का मेथड चल रहा है उसमें भी इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, मुरी, राशि और शिंग प्रो। तो ये था गाइस डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस। हमारे किन्नौर में अलग अलग फ्रूट्स को हम फर्मेंट करते हैं, जैसे ग्रेप है, एप्पल है, वाइल्ड पीच है, वाइल्ड एप्रिकॉट है, कभी कभी प्लम भी है। अलग अलग फ्रूट्स को हम यहाँ पर अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत गर्म हो चुका है यार ये पानी, इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना है हमको कोल्ड वाटर से। तो इसका एक प्रोसेस तो ये है कि हम इसमें से हॉट वाटर को हटा दें और इसमें डायरेक्टली कोल्ड वाटर डाल दें। एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम कंटिन्यूस कोल्ड वाटर को इसमें सप्लाई रखते हैं, पर उससे एक प्रॉब्लम है कि वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो एक ये सबसे बेस्ट मेथड ये है, इसमें आप वाटर भी सेव कर सकते हो और आपका काम भी चल जाता है। ये नीचे से जो वेपर आ रहा है यहाँ पर, उस वेपर की वजह से ये काफ़ी गर्म हो चुका है और इसको हॉट वाटर को अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो कंडेंसेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। गाइज, ये जो डिस्टिलेशन का जो हेड पार्ट है जिसको हम मुरी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें इथेनॉल और काफ़ी सारे वोलेटाइल कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कलेक्ट करता हूँ पहले, इससे हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं भी पहली बार ट्राई करके देखूंगा। सो गाइज, डिस्टिलेशन के बाद जो फर्स्ट हेड पार्ट होता है जिसको मोरी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो देखते हैं जरा ये कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मेरे पास आप देख सकते हो ये एप्पल ट्री का एक लीफ है, ये हरा है बिल्कुल, और इसको मैंने डिप किया है जो अभी हमारे पास इथेनॉल निकला है। और आइए जरा देखते हैं वो इस टेस्ट में पास होता है या नहीं। लाइट ऑफ करना। ये लाइट ऑन करना, ये ब्लू फ्लेम देखो, ऑन ऑफ करना। तो गाइस, ये टेस्ट हमारा सफल हुआ है। आप देख सकते थे कि अंधेरे में जब हमने इसमें आग जलाया तो पूरी तरह से ब्लू फ्लेम निकल रहा था, वो इथेनॉल ही था जो जल रहा था, पर इस एप्पल लीफ को कुछ नहीं हुआ। सो गाइस, ये है आज के पूरे दिन का कलेक्टेड इथेनॉल।
इसको हम किसी सेफ जगह पर घर पे स्टोर करके रखेंगे। सो गाइज, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ टूडेज हार्ड वर्क। वैसे मैं तो पीता नहीं हूँ, बट आई कैन ऑफर यू।